अब्बास मस्तान की फिल्म मशीन अभी तक बॉलीवुड में कोई धमाल नहीं मचा सकी है, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी कमाई फीकी ही रही। बता दें, रिलीज के पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 60 लाख की कमाई की, दूसरे दिन ये कमाई और कम होकर 55 लाख पर फिसल गई। बता दें, ये फिल्म अब्बास मस्तान के बेटे मुस्तफा की डेब्यू फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की अभिनेत्री कायरा आडवाणी इससे पहले फुगली और एमएस धोनी फिल्म में काम कर चुकी हैं। अभी तक इस फिल्म ने भारत में मात्र 1.15 करोड़ का कारोबार किया है। फिल्म मशीन न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रही, बल्कि फिल्म के रिव्यू भी कुछ खास वाहवाही नहीं बटोर सके। पहली ही फिल्म का ऐसा प्रदर्शन कहीं मुस्तफा के करियर पर प्रभाव न डाल दें। वहीं दूसरी ओर शशांक खेतान की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। साथ ही इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म वरुण धवन और आलिया भट्ट की अब तक की सबसे हिट फिल्म बन गई है। इससे पहले ये जोड़ी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में धमाल मचा चुकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जोड़ी ने अब तक की अपनी सबसे हिट फिल्म बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। फिल्म क्रिटिक भी इस फिल्म की तारीफ करते दिख रहे हैं।